हाय स्टूडेंट्स, मैं आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 के लिए आपका जो पेपर है, सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंटिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में एग्जाम में उनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाता है। इसलिए आप चैप्टर्स चाहे कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ो, हर कंसेप्ट क्लियर करते पढ़ो, जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आए। तो कोर्स बड़ा है, करना मुश्किल होता है, इसलिए किस किस चैप्टर को हम ए कैटेगरी में रखें, इसके लिए जो ईजी एयर फ्रिक्वेंटली आस्क है उसको ए कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके अलावा जो कम मार्क्स के आते हैं या जिसका वेटेज कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो सी कैटेगरी में है, और बाकी चैप्टर मॉडरेट है वो बी कैटेगरी में है। तो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से आप वर्किंग करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें देखिए कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है हम जो बताते हैं। तो पिछली बार हमने बताए थे जो 27 मार्च को डाला हुआ है कि इसमें ए कैटेगरी के चैप्टर्स, उसमें 65 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, और वास्तव में 65 गए। बी में 35 के बताए थे, उसमें 55 के आ गए, यानी ए और बी में 100 के बताए थे, 115 के आ गए। सी में 25 बताए थे, 10 के आए, यानी आप हमारे पे रिलाई कर सकते हो। और ये आपके पास मई 23 का पेपर अवेलेबल है, और यहाँ पीडीएफ से मैच करके आप देख सकते हो कि बताए थे उसके हिसाब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इसे अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग के अलावा बाकी और भी सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस शॉर्ट सर्किट स्टडी डली हुई है, तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके उससे आप ले लें, और वीएसआई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब कौन कौन से चैप्टर ए में है, कौन से बी में है, कौन से सी में है, इसकी बात करूँ तो चैप्टर 1 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें देखो चैप्टर 4, 5, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, ये चैप्टर सारे हैं, चैप्टर 1, ये सब ए कैटेगरी के चैप्टर हैं, क्योंकि सारे इंडियस ये एएस हैं, और एएस के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। इसमें से भी अगर हम कहें कि साहब कौन से एएस ज़्यादा काम के हैं, तो देखो एक तो एएस 7 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका एएस 17 है, एएस 19 है, एएस आपका 20 है, इसके अलावा 26 है, और ये जो 29 है, ये एएस थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बाकी सारे पढ़ने कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 है वो ये कैटेगरी में है, बैंकिंग कंपनीज, 9 है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, 3 है एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, 4 है बायबैक एंड डिफरेंशियल राइट्स, और 7 है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, यानी 65 मार्क्स के चैप्टर्स ए कैटेगरी में है। बी कैटेगरी की बात करें तो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 अमालगमेशन, चैप्टर 6 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 10 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 35 मार्क्स के हैं। सी कैटेगरी में पार्टनरशिप है, जो यूनिट 1 और 2 है, वैसे 15 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन नॉर्मल इसमें से पूछे जाते हैं, पिछली बार जरूर इसमें से केवल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए, बाकी इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये एबीसी में है, आप एबीसी पैटर्न में रह के स्टडी करें, आप जितने ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज करें, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो पहले ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी, और फिर सी कैटेगरी करें, जिससे कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रह नहीं जाएं। तो ये करेंगे तो आपको उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको बेनिफिट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें। थैंक यू।